भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र हरिदासपुर गांव में लड़की के साथ छेड़खानी करना युवक को भारी पड़ गया। युवक को गांव वालों ने पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। छात्रा ने बताया कि मंचला गौरव पिछले कई माह से कॉलेज जाने के दौरान पीछा कर रहा था और सरेराह लोगों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। बीते दिनों छात्रा स्कूटी से कॉलेज जा रही थी। मंचला युवक बाइक से पीछा करते हुए चंपा पुल के समीप छात्रा के साथ गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती शादी करने की बात कही। राहगीरों के विरोध करने पर मंचला वहां से भाग गया। नाथनगर जवाहर सिनेमा हॉल के समीप फिर मंचले ने छात्रा के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए तेजाब से चेहरा बर्बाद करने की धमकी दी और TNV कॉलेज तक छात्रा का पीछा किया। तेजाब डालने की धमकी के बाद छात्रा सहम गई और घर पहुंचकर परिजनों को इसकी जानकारी दी। मामला ये है कि मतलब एक लड़का हमको ना एक डेढ़ महीना से परेशान कर रहा था। उसके बाद जब हम कॉलेज जा रहे थे एक सप्ताह पहले हमको एसिड डालने का धमकी दिया। बार बार मेरे आगे गाड़ी रोकता था, बोल रहा था कि तुम्हारा बाप और भाई कुछ नहीं कर पाएगा, जहां गायब कर देंगे तो तुमको अपने शकल पे गुमान है, ये तुम्हारा शकल बर्बाद कर देंगे। भागलपुर में बात बीती है तेजाब की, वही हाल तुम्हारे साथ भी होगा। यही सब बोलते बोलते मतलब मेरे घर चौक पर से कॉलेज गया। तो कॉलेज हम सोचे अंदर जाएगा तो गार्ड सबको भी बोलेंगे कि ये लड़का मेरे साथ ऐसा सब कर रहा है, सर लोग को बोलेंगे। लेकिन वो मेरे कॉलेज के अंदर नहीं गया, बाहर में रुक गया। वो क्या नाम है, कहाँ का लड़का का नाम तो नहीं पता। आज वो राशन लेने आया था तो मेरे घर के आगे 4-5 फेरा सिगरेट लेके लगा रहा था। तो भैया पूछे कि हम भैया को बताए थे कि लड़का मेरे को कोई परेशान कर रहा था, तो हम बताए तो भैया को, भैया बुलाए कि यही है, तो बोले हाँ। उल्टा उससे पूछा तो क्यों करता है ऐसा, बोले हाँ करेंगे हम जादव है, क्या कर लेगा ऐसे। उसे वो जादव का अपना जात का धमकी देने लगा, मानेगा ये धमकी दिया कि तुम्हारा अपने गुमान मतलब शकल पे गुमान है, ये है जैसे भागलपुर में किया है हाल ना वैसे लड़की का, वैसे तुम्हारा भी एसिड डाल के कर देंगे, ये कर देंगे। वो बहुत बात बोला और नचा के जब मैं स्कूटी से कॉलेज जा रही थी तो आगे मैं बाइक रोक देता था। शुक्रवार की सुबह मंचला युवक छात्रा को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच गया। ग्रामीणों की माने तो मंचला कई घंटों से गली में चक्कर लगा रहा था और छात्रा के घर से निकलने का इंतजार कर रहा था, जिसके बाद लोगों को शक हुआ और छात्रा के पहचान के बाद युवक को पकड़ लिया और धुनाई के बाद पुलिस को सूचना दी गई। छात्रा और परिजनों के लिखित शिकायत पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिल्क TV से सुमित शर्मा की रिपोर्ट।